हेलो बेटे दोस्तों, आज हम सीखें एसएससी रीजनिंग ट्रिक। देखिए दोस्तों, इस सवाल को ट्रिक के साथ कैसे सोल्व किया जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एमपीपीएससी एसएससी के लिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, 3/5 की घात 3 है, 3/5 की घात -6 है, बीच में गुणा निशान है, वो बराबर 3/5 की घात 2x-1 है, बराबर एक्स का मान पूछ रहा है ना। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। देखो यहाँ देखते हैं दोस्तों, इन दोनों का आधार समान है, 3/5, यहाँ भी 3/5, इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। तो ये आधार समान है तो क्या होगा दोस्तों, घातांक जुड़ेगी, यानी कि 3/5 की पावर क्या होगी, ये तो 3 होगा प्लस और माइनस के 6 होगा, ठीक है। और यहाँ 3/5 की पावर क्या होगी, 2x-1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों प्लस और माइनस का गुणा करें तो माइनस ही होगा, समझ में आ गया। और माइनस अगर 6 में से 3 घटाएँ तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, यानी कि 3/5 की पावर -3 बचेगा, बराबर 3/5 की पावर क्या होगी, 2x-1 बचेगा। यहाँ आधार और दोनों आधार बराबर है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, जब आधार बराबर होगा तो इसकी घातांक आपस में बराबर होगी, यानी कि 2x-1 बराबर क्या होगा, -3 होगा, और 2x बराबर ये -3, ये माइनस का इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया, -3 + 1, और x बराबर हो गया 3 में से 1 गया तो -2 बचे, और ये 2 इधर के भाग में आ जाएंगे, 2 से 2 बट गया तो क्या बचा, -1 बचा। तो x के बराबर क्या होगा दोस्तों, -1, ये नहीं, सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। आगे समझ में, अच्छी तरह समझ में आ गया दोस्तों, लाइक भी करते जाएँ वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अभी अपने दोस्तों, तो दोस्तों शेयर भी कर दें ताकि आपको हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए भी मेरी फ़ायदा रहेगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए ये 64 की पावर दोस्तों -1/6 है, का मान क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, 1, 1/2, 6, 8। अगर आपको आता है तो इसको क्वेश्चन को वीडियो स्टॉप कीजिए और प्रश्न को हल करके कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, नहीं आता सीखने की कोशिश कीजिए। देख 64 है ना, अब ये माइनस पावर है, अगर 64 को अपन 1 के बटे में लिख देंगे, अपन क्या करेंगे 1 के बटे में 64 लिखेंगे तो इसकी पावर माइनस प्लस हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, ठीक है। ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है ना, पूरे की पावर प्लस हो जाएगी, ठीक। जब प्लस हो गई तो अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो 1/64 है, इसको पावर में बदलेंगे तो 2 की पावर कितनी बनेगी दोस्तों, 6 बनेगी, 2 की पावर कितनी बनेगी, 6 बनेगी, और होल पावर बनेगी इसकी 1/6 बनेगी, ठीक है। 2 की घात 64, 6 का मतलब 64 होता है। और आगे सॉल्व करते हैं तो 1/2 की पावर 6 × 1/6, क्योंकि ये पावर 1/6 से लग जाएगी, 6 से 6 कट गए, यानी कि 1/2 की पावर 1, यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ 27 की पावर 2/3 है, 64 की पावर 2/3 है, बीच में गुणा हो रहा है, बीच में गुणा हो रहा है। अब यहाँ आधार समान नहीं है तो घातांक जुड़ेगी नहीं, जब आधार समान होगा तो ही घातांक जुड़ेगी, आधार अलग अलग तो होने पर घातांक नहीं जुड़ सकती है, घातांक कभी नहीं जुड़ सकती है। लेकिन दोस्तों ये ज़रूर हो सकता है, यह ज़रूर हो सकता है। देखिए दोस्तों और हल कर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको क्या होता है, देखिए 27 की पावर है, 27 क्या होता है दोस्तों, 3 की पावर कितनी होती है, 3 होती है, होल पावर 2/3 है, ठीक है। इसी तरह 64 क्या होगा दोस्तों, 4 की पावर 3 होगी, होल पावर 2/3 होगी, ठीक है। 4 × 16 = 64 और 3 × 3 = 27। अब दोस्तों देखो 3 से 3 कट गया तो 3 की पावर 2 बचेगी, यहाँ 4 की पावर कितनी बचेगी, 3 से 3 = 4 बचेगी। आगे समझ में, अब दोस्तों यहाँ देखने वाले इसके भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो ये 3 और 4 को अपन ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, 3 × 4 इस पूरे की पावर 2 होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब 3 × 4 कितना होगा दोस्तों, 12, तो 12 की पावर 2 हो जाएगी, और 12 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 12 × 12 = 144 होता है, जो किस ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों, डी में आ रहा है, तो अपना राइट आंसर होगा। अब आपको इतना अच्छा समझ में आ गया है तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने कमेंट के लिए देख रखा गया है, 25 × 625 = 5 की पावर n, तो n का मान क्या होगा,
25, 5, 6, 7। दोस्तों इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, एक मिनट रुक के कमेंट जरूर कीजिएगा आप इसका आंसर क्या देना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।